हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर यू फाइन. स्टूडेंट, आज हम आपकी जो पोस्ट मिड टर्म की पोएम है ऑन द ग्रास ओपर एंड क्रिकेट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो आपको अपनी बुक ओपन करनी है और आपको इस पोएम को बड़े ध्यान से सुनना है. जैसा कि आप जानते हैं कि जो पोएम है सीन पैसेज के रूप में आपके एग्जाम्स में दी जाती है. कोई भी एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं. तो आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन को बड़े ध्यान से सुनना और समझना है. अनलाइक द आंट एंड द क्रिकेट विच टेल्स अ स्टोरी, दिस इज ए नेचर पोएम. बिल्कुल उसी तरह जैसे कि चींटी और क्रिकेट की कहानी थी, वैसे ही ये जो पोएम है आपकी, ये एक प्रकृति के ऊपर है. इन इट द ग्रास ओपर एंड क्रिकेट डोंट अपीयर एज करेक्टर इन अ स्टोरी. इसमें जो ग्रास ओपर है यानी कि जो टिड्डा है और जो झिंगूर है, वो एक कहानी का एक करेक्टर नहीं है, अपितु दे आर एक्ट एज अ सिंबल. वो एक प्रतीक की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं. इट सजेस्टिंग समथिंग एल्स, दोनों कोई ना कोई राय दे रहे हैं. रीड द पोयम एंड नोटिस हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन अन एवर. आइए अब हम इस पोयम को पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की जो पोएट्री है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, कभी भी समाप्त नहीं होती. हु सॉन्ग द सॉन्ग, हु सिंग्स द सॉन्ग, कौन यह गाना गाता है. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. जो हमारी पृथ्वी की जो पोएट्री होती है, जो प्रकृति है हमारी, वो कभी भी समाप्त नहीं होती. ये जो हमारी प्रकृति है, ये जो हमारा प्रकृति का गीत है, ये उस संगीत की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है. जो व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फैंट विद हॉट सन, जब पक्षी तथा कीड़े जो है दोपहर के समय, तपती दोपहर के समय, जब वो शांत होकर हाइड इन कूलिंग ट्रीज एंड वॉइस विल रन, जब ठंडी ठंडी पेड़ों के छांव में छिप जाते हैं और उनमें से फिर एक आवाज़ आती है. वो आवाज़ कैसी होती है. फ्रॉम हैज टू एज अबाउट द फ्यू न्यू मॉर्न मैड दैट्स द ग्रास ओपर्स ही टेक्स द लैड इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन विद हिज डिलाइट्स फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड. तो ये जो संगीत टिड्डों के द्वारा दिया जाता है, जो तपती दोपहर को गाते हैं और जो झिंगूर हैं ठंडे जाड़े में गाते हैं, इस प्रकार से हर ऋतु का अपने ढंग का आनंद और संगीत होता है. गर्मी के गर्म दिनों में जब पक्षी वृक्षों की ठंडी छाया में छिप जाते हैं और जो टिड्डों के लिए यह समय गाने और मौज मनाने का होता है. वह एक हैज़ टू हैज़ यानी कि एक बाढ़ से दूसरी बाढ़ में बेधड़क गाते उड़ते रहते हैं. और जब वह गाते गाते ही टेक्स सैलेड, वह गाते गाते थक जाते हैं तो किसी जंगली पौधे के नीचे विश्राम करने लगते हैं. रेस्ट एट इज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड. वह जंगली पौधे के नीचे विश्राम करने लगते हैं. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर. ये जो हमारी पृथ्वी की पोएट्री है कभी भी सीज नहीं होती. ओन ए लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रोट अ साइलेंस फ्रॉम द स्टोन थ्री श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग इन फॉर्म इंक्रीजिंग एवर एंड सीम्स टू वंस डोजिंग हाफ लॉस्ट द ग्रास ओपर्स अमंग सम ग्रेसी हिल्स. जब पक्षी जो हैं जाड़े की ऋतु में भी चुप होकर छिप जाते हैं और चारों ओर जब जो हमारी ओस है यानी कि तुषार है वो बिखर जाता है, चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, और उस समय अचानक उस मौन को जो झिंगूर होता है, झिंगूर की आवाज़ें गूंजने लगती है, उसको भंग कर देती हैं. उसकी आवाज़ ऐसा लगता है किसी पत्थर के ढेर से आ रही हो. इस प्रकार जो धरती का संगीत है लहरी अनवरत के साथ गूंजता रहता है. यानी कि जब व्यक्ति झपके आने लगता है तो झिंगूर की आवाज़ उसके कानों में ऐसे पड़ती है और ऐसा लगता है उसे जैसे कि मानो दूर की घास वाली पहाड़ियों से आ रही हो. यानी कि जो हमारी प्रकृति है वो कभी भी शांत नहीं होती, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो. तो यहाँ पर दोनों ऋतुओं का वर्णन किया गया है और दोनों ऋतुओं में प्रकृति के यानी कि उन पशु पक्षियों के बारे में बताया गया है जो कि गर्मी सर्दी में भी शांत नहीं होते. तो यहाँ पर प्रकृति का अनुभव किया गया है इस प्रकृति के
पोएम के द्वारा। जो जॉन कीट्स है स्टूडेंट्स, हमारे प्रकृति के बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी भी इन्होंने पोएम्स लिखी हैं ज़्यादातर प्रकृति के सौंदर्य के बारे में लिखी हैं, तो ये प्रकृति के बहुत ज़्यादा सौंदर्य से प्रभावित थे। तो यानी कि इस पोएम का नाम आपको ध्यान में रखना, ऑन द ग्रास ऊपर एंड द क्रिकेट, और इसके जो राइटर हैं जॉन कीट्स। तो स्टूडेंट, इस पोएम के द्वारा जो हमारे कवि हैं वो हमारा ध्यान जो है संगीत की ओर आकर्षित करते हैं। संगीत यानी कि जो पक्षियों पक्षियों की तरफ से आता है, यानी कि जो झिंगूर और टिटे की तरफ से आता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।